ये हाथ में क्या ले रहा है? सबको हेलो कर दो। हेलो इंडिया में लास्ट डे है और मैं जा हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज नाइशा का लास्ट डे है इंडिया में, है ना नाइशा? कल ऑस्ट्रेलिया के लिए चल, कल फ्लाइट है नाइशा की, है ना नाइशा? सैड फील कर रहे हो? और गाइस अभी मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किए हैं। तो हमने बेड के ऊपर ना, मतलब गद्दों के ऊपर और बेडशीट से नीचे बीच में हमने ड्राई शीट, पूरे बेड पर ड्राई शीट ला के पूरे बेड किया। और ये काफ़ी सही रहती है, जिसमें घर में छोटे बच्चे उसके लिए तो बहुत बेस्ट है ये। बच्चे शूशू पानी वानी कुछ भी गिरा देते वो गद्दों तक नहीं जा पाता, और गद्दे काफ़ी सेफ रहते हैं। मेरे को बड़ी सही लगती है ये, क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। और इस तरह की है देखो ये ना, मतलब पूरे की पूरे गद्दों पे फिक्स हो जाती है। साइड में से कपड़ा सा दे रखा है, इस कपड़े से और लास्टिक से पूरे गद्दे को कवर कर लेते हैं। और अच्छे से बिल्कुल देखो साइड से दिखी, अच्छे से दब जाती है, मतलब खिसकती नहीं, एक जगह फिक्स हो जाती है। और काफ़ी है, मतलब घर में छोटे बच्चे हो ना, जिसके घर में उनके घर में बेड के ऊपर ड्राई शीट जरूरी होने हो, मैं तो सही कहती हूँ, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट है इसके बेड, क्योंकि गद्दे सेफ रहते हैं और अंदर तक गद्दों तक पानी वानी कुछ भी नहीं जाता। सही चीज़ है। 8:30 के आसपास टाइम हुआ है, भैया के ऑलमोस्ट, भैया और की सारी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुके हैं, 2 सूटकेस यहाँ रखे हुए हैं। अभी अंदर चलते रूम में, 2, 1 ये वाला 3, ये छोटे वाला 4, 1 रेड वाला 5, 6 सूटकेस हैं, और 2 या 3 हैंड बैग हो जाएंगे, काफ़ी सामान हो गए हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सुबह 5:30 बजे भाभी तैयार हो चुकी है, अलीशा को तैयार कर रही है भाभी, बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेबी? ये हाथ में क्या ले रहा है? पापा की फोटो। गाइस आज लास्ट दिन था इंडिया में, अनायशा और भैया भाभी और अलीशा का सब चले गए, पूरा घर खाली खाली हो गया। संदीप पापा मम्मी सब छोड़ने गए एयरपोर्ट पे, मैं तो जा नहीं सकती, कितनी सो रही है। और सुबह सुबह अभी सुबह के टाइम हुआ है 5:30 बजे अब सुबह के, घर पे नानी भी आई थी रात को मिलने के लिए भैया भाभी से। तो मैं नानी और गिन्नी है घर पे अभी, तो सब छोड़ने गए हुए एयरपोर्ट पे। मेरा ही मन कर रहा था जाने का, पर अभी गिन्नी सो रही है, वो फिर रोती भी और छोटी भी, इस वजह से हाँ। नानी कह रही सारा घर भरा हुआ, तब खाली खाली सारा, नानी बिल्कुल खाली, अब जीन लेगा मेरे तो कई दिन। और गिन्नी का तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल रोएगी, वो हर कमरे में जाके ऐसे बोलेगी कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे करेगी। तो सब पहुंच गए एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट की फ़ोटो है, इसके बाद सब बैठ गए फ्लाइट में, ये फ़्लाइट की फ़ोटो है। हम हैप्पी जर्नी भैया भाभी अनायशा और अलीशा के लिए। और पूरे 17 घंटे के बाद अलीशा अपने घर फाइनल पहुंच चुके ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।